तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है झारखंड के मौसम को लेकर, जहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, अगले 3 दिनों में होगी बारिश। चलिए देख लेते हैं इसको लेकर क्या खबर सामने निकल कर आ रही है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर राज्य में मानसून अभी तक अपेक्षाकृत कमजोर ही रहा है, हालांकि कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। इसको लेकर जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने यहाँ पर राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में यहाँ पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून जो है वो कमजोर चल रहा है, इसकी गतिविधि में कुछ यहाँ पर परिवर्तन आने की संभावना है। 16 से यहाँ पर 18 अगस्त तक यहाँ पर राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। शाम में बारिश ने दी है यहाँ पर राहत। राजधानी रांची में मंगलवार 15 अगस्त की सुबह से ही यहाँ पर उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर मौसम का मिजाज बदला और शाम के 6 बजे के बाद यहाँ पर आसमान में काले बादल छा गए। हवाओं के साथ यहाँ पर अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर राज्य के इन हिस्सों में यहाँ पर बारिश की आशंका। बोला जा रहा है कि राज्य के कोल्हान और संथाल परगना क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 16 अगस्त से यहाँ पर राज्य के पश्चिमी हिस्से जैसे कि पलामू प्रमंडल और यहाँ पर 17 को यहाँ पर राज्य के उत्तरी छोटा नागपुर और तथा निकटवर्ती मध्य हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यहाँ पर जारी की है चेतावनी। बोला जा रहा है कि मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क और सावधान रहे। इस दौरान यहाँ पर बारिश में यहाँ पर घिर जाने पर किसी सुरक्षित स्थान में शरण ले, किसी पेड़ के नीचे ना रहे, किसान अपने खेतों में ना जाए और मौसम सामान्य होने की यहाँ पर प्रतीक्षा करें। जोहार।